मॉर्निंग दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो वीवो का फ़ोन है ये फ़ोन डेड है, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका जो है ना बैटरी को चेक करते हैं, इसका बैटरी का चार्ज चेक करेगा कितना है। बैटरी का चार्ज देख लीजिएगा 4.2 वोल्ट, मतलब ये फुल चार्ज है, बैटरी जो है ना फुल चार्ज है। तो ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका अभी चेक करना है बैटरी कनेक्टर में। यहाँ पे देख लीजिए फुल शॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कनेक्टर में फुल शॉट दिखाई दे रहा है। तो इसको कैसे चेक करना है अभी चलो देखते हैं मेरा वीडियो और इसको किस तरह से चेक करना है। इट देख लीजिए, अभी लॉकडाउन का चलते में मेरा काम करना पड़ा, दिक्कत हो रहा है, घर में काम कर रहा है। सबसे पहले इसका जो मदरबोर्ड है इसको निकालना पड़ेगा। इसका जो मदरबोर्ड है एकदम फ्रेश है, इसको और एक बार चेक करना है। फुल शॉट बैटरी कनेक्टर में फुल शॉट, ठीक है। यहाँ पे रहता है नेटवर्क आईसी, यहाँ पे रहता है पावर आईसी। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों टीना को निकालना पड़ेगा। तो आपको जिस तरह से निकलना आता है उसी तरह से निकल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमको तो यही पसंद है ट्वीजर से निकलना, इसको जैसे निकलना आता है उसी तरह से निकल सकता है। क्योंकि ट्वीजर से निकलने से क्या होता है, एक तो प्लस पॉइंट क्या है, इसका जो आईसी वगैरह होता है अंदर में ये सब में हीट नहीं लगता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हीट लगने के कारण से आईसी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमको यही अच्छा लगता है ट्वीजर से निकलना। इसमें क्या होता है, ट्वीजर से जब हम निकल देगा ये देख लीजिएगा साइड में, साइड में जितना भी साइड ट्रैक होता है ये सब उखड़ जाता है, लेकिन ये सब कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ये सारे सब GND है, ये सब का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब अगर उखड़ जाएगा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। और इसका जो है क्या, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको निकालने से पहले एक बार शॉर्ट क्लियर यूज़ करते हैं, देखते हैं कोई से अगर सिग्नल मिल जाए, इसके अंदर में अगर कुछ ख़राब है तो मालूम चल जाएगा, नहीं तो बाद में उसी को निकलना पड़ेगा। तो शॉर्ट क्लियर कहाँ लगाना पड़ेगा, एक
एक बार देख लीजिए आप लोग। इसका जो बैटरी का जो प्लस कलेक्शन है वो हो गया ये वाला। इसका जो बैटरी कलेक्शन प्लस का है इस पिन में प्लस है, तो यहाँ पे भी लगाने से वो होगा। चलो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ से कोई अगर मिल जाए। ये हो गया शॉर्ट किलर बैटरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो माइनस है इसका माइनस लगाना पड़ेगा बॉडी में, प्लस लगाना पड़ेगा बैटरी का प्लस कलेक्शन में, क्योंकि बैटरी में भी फुल शॉट दिखाई दे रहा है ना कनेक्टर में। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज जल गया, नहीं सॉरी मैंने गलत जगह पे लगाया, ये है माइनस पोजीशन, प्लस पोजीशन हो गया तुम्हारा ये वाला। ये माइनस में लगाने के कारण में ये जो मतलब कॉइल है, फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ एक्चुअली ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ पूरी तरह से चल गया। ठीक है, मैंने गलत जगह पे लगाया, अभी लगाना पड़ेगा प्लस पोजीशन में। प्लस पोजीशन आया यहाँ से, ठीक है। तो एक बार और एक बार लगा चेक करते हैं। कोई तो चीज जल गया, मतलब आवाज आया है। कहां से आया ये मालूम नहीं चल पाया। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं पहले। जो चीज खराब था वो जल गया, इसलिए शॉर्ट थोड़ा सा है। तो अभी ये देखना पड़ेगा क्या जल गया है, जो जल गया उसको निकल के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये शॉर्ट जो हाफ शॉर्ट अभी दिखाई दे रहा है ये हाफ शॉर्ट हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीज जल गया है उसको निकल के फेंकना है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये टीना को निकलना पड़ेगा। भी ऐसे पेस्टिंग करते लोग कंपनी लोग बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो भी है निकलना तो पड़ेगा ही, नहीं तो काम कैसे होगा। दिखता है इसके अंदर में क्या है, यहाँ तक तो खाली है। तो इसको यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा खुलने का टाइम में। जो आईसी नंबर है 6357 पावर आईसी नंबर है ये। तो यहाँ पे देखना है कोई चीज जल गया है क्या, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है कुछ भी। अभी क्या करेगा, थोड़ा सा
बराबर ऐसे के अगल बगल में थोड़ा सा पेस्ट लगाएगा, ठीक है, क्योंकि नज़र में नहीं आ रहा है कैसे चल गया है बोल के, तो इसलिए ये जो नेटवर्क ऐसी है हंसे लेके ये सब में हल्का हल्का करके पेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह पेस्ट लगाने से क्या होगा, जो भी कैपेसिटर शॉर्ट है या कोई भी आईसी अगर शॉर्ट है तो जब हम डायरेक्ट पावर यहाँ पे डालेगा शॉर्ट किलर से, जो भी खराब है वो तुरंत गर्म होने लगेगा। तो गर्म हो जाएगा जब, तब तो जो पेस्ट लगाया ये सब ऑटोमेटिक गलने लगेगा, गल जाएगा। तो गल जाएगा तो मालूम चलेगा कहाँ से निकला है बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिंगटोंग नहीं आ रहा है, कोई भी पेस्ट नहीं गल रहा है। तो अभी हमको क्या पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा इस पोजीशन में। इसके अंदर में रहता है चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी रहता है इसके अंदर में। तो यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे ट्राई करना पड़ेगा। बहुत हार्ड है और ये सबको आप लोगों को जैसे आता है खोलने के लिए उसी तरह से खोल दीजिएगा, ठीक है। हमको तो यही अच्छा लगता है खोलने के लिए, तो इसलिए हम इसी तरह ट्राई करते हैं। एक बार थोड़ा सा निकल जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता तो है यहाँ से कुछ जलने का गंध आ रहा है, ठीक है, जलने का कुछ गंध बदबू आ रहा है यहाँ से। तो को लगता है इसके अंदर में कुछ जल गया होगा, जो भी है देखते हैं। यहाँ से तो बदबू आया जलने का, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है, कोई भी चीज़ जल गया है क्या नहीं। एक बार ध्यान से देख लो यहाँ पे, हाँ दिखाई दिया आप लोगों को, मेरे को तो दिखाई दिया है। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ये जल गया है, देखो देखो, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। आपको दिखाने का समझने का बहुत कोशिश कर रहे हैं हम, अगर आप समझ जाएगा तो अच्छा है, नहीं समझ जाएगा तो और भी अच्छा है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, शॉर्ट दिखाई दे रहा है अभी, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है ये जल गया है। तो इसको ऊपर यहाँ पे जैसे अभी हाफ शॉर्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको कैपेसिटर को भी तोड़ के दिखता है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है तोड़ दिया। अभी चेक करना है, अभी देखो थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है, देखो, ठीक है, ये कैपेसिटर में अभी थोड़ा सा भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो कितना कुछ करना पड़ा ये शॉर्ट को चेक करने के लिए, एक बार अच्छा से दिखाएगा आपको। यहाँ पे एक तो कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर शॉर्ट था, फुल शॉर्ट। तो इसके चलते हम लोग क्या किया, ये नेटवर्क एसी का ऊपर का जो टीना है इसको निकल दिया, पावर एसी के ऊपर में जो टीना है इसको निकल दिया, इतना सारे रिस्क लिया तब जाके ये जो कैपेसिटर है इसको मालूम चला। तो कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं ये सेट अभी ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
क्योंकि बहुत सारे शेरखानी किया सेट में। ऑन तो होना चाहिए 100%, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वाओ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से काम करना है दोस्त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, तो हम आपको बहुत समझाने की कोशिश किया, शायद आप लोग समझ गया होगा।